नमस्ते, राखी के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ नए स्टाइल में सेवई। इसके लिए मैंने 250 ग्राम सेवई, आधा किलो दूध, मखाना, ड्राई फ्रूट, 2 इलायची कुटी हुई, चीनी लिया है। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई को गर्म होने देनी है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें 2 बड़े चम्मच से घी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद घी को गर्म होने देना है। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गया, इसमें मखाने ऐड करेंगे। मखाने को आधे मिनट तक तेज आंच में से चलाना है। आधे मिनट हो गया, अब इसे ड्राई फ्रूट को ऐड करें और 1 मिनट से चलाएं मध्यम आंच पर। आधे मिनट हो गए, अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में इलायची को ऐड करें और साथ ही सेवई ऐड करना है। ऐड करके 5 मिनट से मध्यम आंच में चलाएं, हल्का ब्राउन होने तक। सेवई हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसमें दूध ऐड करना है। दूध ऐड करने के बाद 10 मिनट इसे कम आंच में होने देना है, बीच बीच में इसे चलाना भी है। जब तक सेवई हमारी हो रही है तब तक मैं चीनी को ऐड कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने छोटा सा बर्तन लिया है, पतीला ढक्कन। अब उसमें 1/2 कप पानी ऐड करना है। 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें चीनी को ऐड करना है। चीनी को ऐड करने के बाद गैस को आंच पर कम कर लेना है और इसे मेल्ट होने देना है चीनी को। हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इधर हमारी सेवई भी बन के पूरी तरह से तैयार हो गई है। इसमें चीनी को हम ऐड करेंगे। हम गैस को बंद कर लेते हैं। ये मैंने चीनी को ऐड कर लिया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। ये हमारी सेवई बिल्कुल नए स्टाइल में बनके तैयार हो गई है, मखाना सेवई। थैंक यू। अगर मेरी मम्मी को बेटा को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।